अगर परीक्षा में कुछ भी ना आए तो क्या करें? हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं और ऐसा होता है दोस्तों, ऐसा मेरे साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा कि क्वेश्चन पेपर आएगा और हमें पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं आ रहे होंगे, या किसी के साथ बहुत खराब स्थिति होगी तो उसका पूरा पेपर ही नहीं आ रहा होगा। तो अब उस स्थिति में आपको करना क्या है? देखिए, अब तो आपके सामने पेपर है, अब आप बच के निकल नहीं सकते, आपको पेपर तो पूरा देना ही है, पेपर में कुछ ना कुछ लिखना ही है, क्योंकि दोस्तों आप ब्लैंक कॉपी तो देकर आएंगे नहीं। तो अब इस स्थिति में आप कर क्या सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, इस स्थिति में केवल आपका अपना दिमाग, आपका अपना कॉन्फिडेंस, आपका अपना धैर्य और अपनी ही स्किल, आपके पास जो स्किल्स हैं उनका यूज करके आप पेपर में बहुत अच्छा कर सकते हो। तो स्वागत है दोस्तों आपका एपीएन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, मैं आपका मित्र उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अहम वीडियो में। आज मैं दोस्तों आपसे बात करने वाला हूं इसी समस्या पर कि अगर आपको क्वेश्चन पेपर में कुछ भी ना आए तो आप करें क्या, कैसे आप बिना घबराए हुए, कैसे आप बिना अपना धैर्य खोए हुए पूरे पेपर को सरलता पूर्वक करें और आसानी से अटेम्प्ट कर लें। देखिए दोस्तों, ऐसा बहुत बार होता है, मैं आपको 3 केस बताता हूं। जब भी क्वेश्चन पेपर आता है तो कुछ बच्चे होते हैं वो जल्दी पेपर को पढ़ते हैं और मार्क करते हैं कि ये क्वेश्चन मुझे आ रहा है, तो वो लग जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर को धीमे धीमे पढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को एक एक बार में पढ़ते हैं और करते चले जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर पढ़ते हैं उनको कुछ भी नहीं आ रहा होता है, उनको पता ही नहीं लगता है अरे ये तो पेपर कैसा आ गया, पेपर में क्या करना है, कैसे मैं पेपर में आगे बढ़ूं। तो दोस्तों ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो घबरा जाते हैं पेपर को देखकर, जो ये सोचते हैं मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं, अब तो मैं फेल हो गया। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो गया, तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि अब आप पेपर में आए हो तो आपको 2 से 3 घंटे का समय वहां देना ही देना है, चाहे आप कुछ लिखो या ना लिखो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम के बीच में से उठकर जा सकते हो। तो अब इस समय का इस्तेमाल आपको कैसे करना है, वही दोस्तों मैं आपको बताना, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी क्वेश्चन पर कहा गया कि इस क्वेश्चन पर आप प्रकाश डालिए, अपने 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 विचार आप इसे व्यक्त करिए। तो देखिए दोस्तों, विचार व्यक्त करने के लिए हमको कहा गया कि यानी जो हम उस क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हैं, हम उस विषय के बारे में जो सोच रहे हैं। तो देखिए, जब भी आप पढ़ते हैं तो आप ऐसा कोई ना कोई कीवर्ड आप जरूर देखते होंगे, हर आंसर में ऐसा कोई ना कोई कीवर्ड होता है जिसके अराउंड पूरा जो आंसर होता है दोस्तों वो बना होता है, उसके अराउंड दोस्तों वो आंसर डेवलप किया होता है, उसी कीवर्ड को आपको ध्यान देना है। अगर आप दोस्तों उस कीवर्ड को पकड़ लेते हैं और उसके अराउंड अगर आप आंसर को लिखते हैं दोस्तों, तो बहुत अच्छा मार्क्स आपको मिलने की उम्मीद है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर कोई एग्जामिनर है उसके पास इतना समय नहीं है कि आपकी लाइन बाय लाइन पढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उसको कई सारी कॉपी चेक करनी है दोस्तों और उसको कई महीनों तक ये प्रोसेस चलता है तब हमारा रिजल्ट आता है। तो बिल्कुल आपको अपनी स्टार्टिंग जो रखनी है, आप जो कीवर्ड पकड़े हैं उसके अराउंड ही आंसर आपको लिखना है, आपको उधर से डेविएट आप मत होइएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया लगेगा और आपको कुछ ना कुछ दिमाग में रिकॉल होगा, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ क्लिक करेगा, जो दोस्तों आपके दिमाग में क्लिक करेगा जो वर्ड कीवर्ड, उसी कीवर्ड के अराउंड आपको पूरे आंसर को फ्रेम कर देना है। और देखिए, आंसर फ्रेमिंग दोस्तों एक कला है, ये आप धीमे धीमे सीखोगे तो आपको आएगा। ऐसा बहुत सारा होता है दोस्तों, ग्रेजुएशन में भी हम लोग जाते हैं, कहीं भी हम लोग जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन हमको नहीं आते हैं, लेकिन हमारे पास एक कीवर्ड होता है, एक मूल शब्द होता है जिसके अराउंड, जिसके दोस्तों चारों तरफ हम अपने आंसर को फ्रेम कर देते हैं, अपने आंसर की बनावट ऐसा करते हैं ताकि एग्जामिनर को भनक भी ना लगे कि हमें आंसर नहीं आ रहा है। यही काम दोस्तों आपको करना है, अगर आप इस काम को करने में सफलता पा जाते हैं तो आप बहुत अच्छा मार्क्स उठा लेंगे। दूसरी टेक्निक मैं दोस्तों आपको बता दूं, जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को देखे घबराइएगा नहीं, ये सोचिएगा कि मैं इस क्वेश्चन को पहले पढ़ूं, क्योंकि दोस्तों जब आप उसको बार बार रीड करेंगे ना तो आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट होगी, पिक्चर का मतलब विजुअलाइजेशन आएगा कि क्वेश्चन क्या है, अगर मैं इस सिचुएशन में रहता तो मैं क्या करता। तो यहां पर आपको सोचना होगा, जैसे आपसे कुछ पूछा गया प्रकाश क्या है, तो अब आप प्रकाश के बारे में सोचने लगिए, तो प्रकाश के बारे में आप जो सोच रहे हैं वही आप उस चीज को लिख दीजिए। बिल्कुल दोस्तों, तो विजुलाइजेशन से भी बहुत सारे आंसर हमको आते हैं, हम जब सिचुएशन को विजुलाइज कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे अब लड़ाई के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, 1857 का संग्राम पूछा गया, तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में क्लिक करेगा, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, दोस्तों इस तरह से चीजें आपके दिमाग में आएंगी और आप उन चीजों को लिखते चले जाओगे। इसी तरह से साइंस भी है, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो इसमें दोस्तों विजुलाइजेशन बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि देखिए दोस्तों हमें शब्दों से ज्यादा, वर्ड से ज्यादा हमें विजुअल्स याद रहते हैं। जब हम कोई पिक्चर देखते हैं तो हमें उस पिक्चर में क्या कहा गया हमें नहीं पता होता है, लेकिन हम उसकी विजुअल्स याद रखते हैं, हमें जब उसके विजुअल्स आते हैं तो हम उसके बारे में अगर आप हमसे लिखने को कह दें तो मैं भी लिख दूंगा, आप भी लिख सकते हो। तो यही काम आपको करना है, विजुअलाइजेशन टेक्निक का आपको बहुत ज्यादा यूज करना है। तीसरा काम दोस्तों आपको करना है, मैं आपको बता दूं, जब भी क्वेश्चन पेपर आपको मिले तो आप पहले उन क्वेश्चंस को दोस्तों
जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं, मतलब जो क्वेश्चंस आपको एकदम नहीं आ रहे हैं, उसमें आप क्या करो, कुछ ना कुछ रिलेटेड टॉपिक उससे देखो कि क्या मैं रिलेटेड लिख सकता हूँ। कई बार दोस्तों क्या होता है ना कि क्वेश्चन में ही कोई ऐसा वर्ड दिया होता है जिसके अराउंड हम अपने आंसर को कनेक्ट करके लिख सकते हैं, यानी उसके रिलेटेड हम लिख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ऊपर नीचे में क्वेश्चन रिलेटेड में होते हैं, तो हम क्या करते हैं उस क्वेश्चन का आंसर कई बार हम इसमें भी दोस्तों इंक्लूड कर लेते हैं। होता क्या है, जब आप ऊपर का स्टार्टिंग अच्छा रखोगे तो आपका आंसर अगर बीच में थोड़ा ढीला भी है, बीच में आप थोड़ा सा डेविएट भी हो रहे हो, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन स्टार्टिंग दोस्तों आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसी को आपको ध्यान रखना है, यही काम आपको करना होगा। रिलेटेड आप लिखो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जब क्वेश्चन छोड़ दोगे तो कोई मार्क आपको नहीं मिलने वाला है बिल्कुल। अब आपको पेपर तो आ नहीं रहा है, तो देखिए दोस्तों अब आपको पास होना है, तो पास होने के लिए आपको सब कुछ लगाना होगा, साम दाम दंड भेद, जो भी आपके पास स्किल है, जो भी आप रखे हो अपने तर्कस के तीर में दोस्तों, उसको लगाना होगा आपको। आपको अपना हर तीर इस्तेमाल करना है एग्जाम, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि इस पेपर में मुझे कुछ नहीं आ रहा है, अब मैं हो सकता हूं कि फेल हो जाऊं, या तो आप इन टेक्निक को अपना लीजिए, बिल्कुल बहुत अच्छा मार्क्स आप उठा लोगे। ये सभी जो टेक्निक मैंने आपको बताई, ये टॉपर्स के लिए भी है, मीडियोकर स्टूडेंट के लिए भी है, जो मीडियम स्टूडेंट्स हैं, और जो दोस्तों डल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यही टेक्निक है। तो आपको आंसर को पूरा रिलेटेड लिखना है, ऐसा लगना चाहिए एग्जामिनर को कि आपको पूरे टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है। थोड़ा बहुत आप डेविएट होगे तो वो एग्जामिनर समझेगा कि हाँ इतना सिलेबस होता है, हो सकता हो थोड़ा बच्चा डेविएट हो, लेकिन ये भनक लेने नहीं देनी है आपको। स्टार्टिंग आपको बहुत अच्छी रखनी है, यही काम आपको करना है दोस्तों, जो मैंने टेक्निक आपको बता दी। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को टैप करिए दोस्तों। जिस भी टॉपिक पर डाउट हो अपने कमेंट सेक्शन हमें नीचे भेजिए। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, के लिए थैंक यू एंड हैव अ